हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एससी ट्रेडिंग ज्ञान। तो फ्रेंड, आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहां पे आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में लगभग 2% की आपको तेजी देखने को मिली और यहाँ पर हम देख रहे हैं 943 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दिए। तो आगे किस तरह का सिनेरियो रह सकता है इस पर हम कर लेते हैं चर्चा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है यह है डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए को शो कर रही है। अब हम देख रहे हैं स्टॉक बहुत ऊपर से गिरता हुआ नीचे आ रहा है, लेकिन यहां पर एक रेंज बाउंड है। यहां पर आप देखेंगे एक रेंज बनी है 982 से लेकर के 845 के बीच में। ये देखिए, यहाँ से स्टॉक इस रेंज के अंदर एंट्री करता हुआ हमें दिखाई दिया था और यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं की थी, स्टॉक नीचे आया था। और जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है। यहाँ से स्टॉक फिर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, फाइनली यहाँ से स्टॉक फिर नीचे की तरफ आता है और इस रेंज को प्रॉपर फॉलो करते हुए आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अब आपको रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पर दिखाई दिया, 982 पे। इसे आप गौर से देखिएगा, ये देखिएगा 982 पे आपको यहाँ पर दिखाई दिया था रेजिस्टेंस पॉइंट। और इसके बाद अगर हम देखें तो 982 से जो गिरावट हुई तो सपोर्ट आप देखिए नीचे कहाँ पर लिया गया, ये देखिएगा यहाँ से जो हमें सपोर्ट देखने को मिलता है वो नीचे स्टॉक में 845 पे देखने को मिला, फिर इसी रेंज को फॉलो करते हुए स्टॉक आगे बढ़ा है। ये देखिएगा सपोर्ट आपको बैक टू बैक कहाँ देखने को मिल रहा था, आप देख सकते हैं 845 के आसपास सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं और रेजिस्टेंस एक बार फिर आपको यहाँ पर दिखाई दिया लगभग 980 रुपये के आसपास। फिर एक बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक नीचे की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दिया और फाइनली आप देखेंगे फिर से सपोर्ट लेकर के स्टॉक एक बार फिर गिर के यहाँ पर अपनी रेंज में आया। और यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है, इस लाइन के ऊपर स्टॉक गया और यहाँ पर आने के बाद हल्की फुल्की गिरावट दिखाई देती है और फाइनली एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फिर बन चुकी है। और ये ग्रीन कैंडल जो बनी है इसका सपोर्ट आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है इसके नीचे यहाँ पर आपको वीक दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट को लेकर के स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दिया है। तो डेफिनेटली यहाँ से लगता है कि स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई अगर देता है तो एक बार फिर से 982 के टारगेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और यदि 982 पे ब्रेकआउट होता है तो उस केस में आपको स्टॉक 1050 के आसपास जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो फिर यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा यदि आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो आपका जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट 982 रहेगा और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 1050 के आसपास रहेगा। लेकिन स्टॉप लॉस इस केस में क्या रहेगा, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा यदि आज के प्राइस पॉइंट पर आप बाइंग का सोच रहे हैं तो नीचे की तरफ 909 रुपये जो कि रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके नीचे यदि स्टॉक जाएगा तो आपको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए चाहे आपकी पोजीशन लॉस में हो, क्योंकि हमें ज्यादा बड़ा लॉस यहां पर बियर नहीं करना है। और जो टारगेट है वो आपको यहां पर मैंने आपको बता दिए, 982 का फर्स्ट टारगेट और 1050 के आसपास के आपके सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा टेक्निकल व्यू पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।